गाइस, मैं हूँ रोशनी। स्वागत है आपका ब्लॉग विद रोशनी चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, हम लोग झलमला से वापस आ गए हैं। टोटल 4 दिन रहे हैं हम लोग झलमला में। 23 तारीख को वापस आए हैं। तो ये जो ब्लॉग मैं डालने वाली हूँ वो आधा झलमला का है और आधा यहाँ बेमेतरा आने के बाद का वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना, कॉमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइस, तो ये देखिए, पतिदेव रेडी हो रहे हैं। ये है मेरा देवर, ये मेरे जेठ जी है। सब लोग रेडी हो गए हैं। रेनू रेनू उठा दे। हेलो गाइस करो, हेलो गाइस करो, जोर से बोलो, जोर से। हेलो गाइस, ये है मेरी जेठानी और ये है शंकु, ये मेरी दीदी है, मेरी ननंद है, ननंद रानी, ये ओम, ये तनय, ये क्या नाम है, दुर्गेश, ये है बाबू। मैं झलमला आई हूँ करके बता दे बेटा, मैं झलमला आई हूँ। तनु तमना दीदी पास लव यू बोलो इधर गाइस लोगों को। ऐसे करो अच्छे से, सब लोग बैठे हुए हैं नाश्ता करने का वेट कर रहे हैं। तो चले फिर नाश्ता करने जाते हैं। नाश्ता करोगे? क्या खाओगे? इडली। चलो नाश्ते में बना है इडली, तो सब लोग खा करने के लिए जा रहे हैं। ये है सांभर और इडली ऊपर से लगे हैं। ये है पोहा, जिसको जो खाना है वो खाएगा। इडली और पोहा दोनों बना है। ये है छोटा सा बाबू, क्या खा रहा है? पोहा। ये है मेरी जेठानी, ये है मेरी जेठानी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है ना मेरी जेठानी लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ये हमारे पति देव इडली सर्व कर रहे हैं। इडली वाले इडली 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 बेच रहे हैं, जिनको भी लेना है आ जाइए। भैया कैसे प्लेट लगा इडली? कैसे? बिल्कुल मुफ्त है, मुफ्त है। तब तो एक प्लेट लगाओ इडली जल्दी से। बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। ये आज भैया का बिजनेस सात आसमान पर। भीड़ देखिए, अपना काम धंधा बंद करके इडली बेचना पड़ेगा। हमने एक नया बिजनेस शुरू किया है, राजन इडली सेंटर। इडली का फ्रेंचाइजी लिया हुए, फ्रेंचाइजी है। स्पॉन्सरशिप आप कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद एमबीए चाय वाले करूंगा। केटरिंग इडली वाला। तो गाइस ये देखिए, आज ही दुकान खोला है इन्होंने और कितनी ज्यादा भीड़ लग गई है। मेरे को ही नहीं मिल रहा इडली। अरे हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट। सभी लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। ये देखो मजा आते बने बने ही। अच्छा बने ही एकदम टेस्टी। ये देखिए हमारे भैया दीदी के लिए कितना प्यार जता रहे हैं। ज्यादा चटनी लेके आ रहे हैं। अभी एक कटोरी नहीं, दो दो कटोरी खड़े हुआ। और हम लोग यहाँ पे अपने अकेला के लिए बैठे हुए, हमारे हस्बैंड लोगों का पता नहीं है अभी तक। चल करो दिया साथ करो। बाबू कलर कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। अच्छे अच्छे ऐसे करो, इसको मुट्ठी बंद कर दो। अच्छे करो इसको ऐसे करके ऐसे बीच के आओ, बीच के आओ, बीच के आओ। अच्छे अच्छे से ना बीच के आओ, 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 बाबा पीछे में है। अरे अरे गाइस, तो हमारे घर में देवता का काम हो रहा है। तो सारी लेडीज ऐसी ही हैं बिना मेकअप के,
बिना सिंदूर के, बिना बिंदी के, बिना लिपस्टिक के, तो ऐसे ही दिख रही हैं जितनी भी लेडीज लोग हैं उन लोग। ये देखो क्या हो गया ना बाबू को, बाबू कैसे रोती है, बाबू कैसे रोती है, कैसे रोती बाबू, बाबू। हे गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं आंगनबाड़ी बाबू को ले जा रहे हैं। आज है 27 फरवरी पोलियो दिवस, तो उसी के लिए ले जा रहे हैं बाबू को पोलियो ड्रॉप पिलाने। और बाबू रो रही है नहीं जाऊंगी करके उसको बुद्ध बना के ले जा रहे हैं, है ना बाबू। अच्छा जगन्नाथपुरी जा रही है, हाँ बाबू जगन्नाथपुरी जा रही है। और एक छोटा सा फंक्शन है, एक मम्मी की सहेली है आंटी, उनके यहाँ पे छठी का कार्यक्रम है, छठी यानी की जन्मोत्सव, तो वहीं जा रहे हैं हम दोनों। ये जा रही है बाबू आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी के सामने पूरा रेती रेती है। नाटक तो देखो मेरे का, ब्लैक गाइस, तो ये देखिए हम लोग आए हैं अपने पुराने घर, और वहीं पे एक तालाब है, ये देखो बड़ा सा तालाब है ये, जो कि पूरी तरीके से सूख गया है, थोड़ा थोड़ा बस पानी है इसमें। ये है मंदिर तालाब के किनारे का, राधा कृष्ण का मंदिर, देखो बाबू क्या कर रही है। ये देखो गाइस, अभी चैनल गेट पे ताला लगा हुआ है क्योंकि अभी 5 बज रहे हैं, थोड़ा टाइम होने के बाद खोलते हैं इसे। देखो मम्मी, ये और ये बड़ा सा बरगद का पेड़ जहाँ पे वट सावित्री की पूजा की जाती है। ननन के बारे में बोलो। अच्छा बना दीदी, अब मम्मी को खिला देगा।
मम्मी को खिला कर, मम्मी को खिला कर, मम्मी को खिला कर। थैंक यू। वेलकम। वाह। सो गाइस कैसी लगी ये वीडियो, तो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।